एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे बॉर्डर्स, फिल कलर और फॉन्ट कलर ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस डेटा पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसके लिए डेटा को सिलेक्ट करें। होम टैब के बॉर्डर ऑप्शन में जाएं। यहां पर आपको अलग अलग टाइप की बॉर्डर मिलेगी। इनमें से आपको जैसी भी बॉर्डर की जरूरत हो वो आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपको केवल आउटसाइड बॉर्डर्स चाहिए तो आप इसको चुन लें। अब इसमें देखिए केवल बाहर की बॉर्डर्स आई हैं। अगर आपको पूरे में बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर्स चुन लें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बाहर और अंदर सब तरफ बॉर्डर्स आ गई हैं। इसी तरह से अगर आपको बाहर बॉर्डर चाहिए और वो भी मोटी चाहिए तो थिक आउटसाइड बॉर्डर आप चुन सकते हैं। तो ये देखिए बाहर की तरफ मोटी बॉर्डर आ गई है। अगर आपको कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ ऑप्शन मिलता है नो बॉर्डर, तो जो भी बॉर्डर्स आपने लगाई होंगी वो भी हट जाएंगी। यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर्स के अंतर्गत आपको और ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला तो है ड्रॉ बॉर्डर। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप जैसी बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हैं वो खुद ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए जहां से भी आपको बॉर्डर ड्रॉ करनी है उस पॉइंट पर क्लिक करके और फिर ड्रैग करें। ये इस तरह से आप बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि केवल आउटसाइड की बॉर्डर ही ड्रॉ हो रही थी। अगर आपने रो ड्रॉ कर रहे हैं तो केवल रो, और अगर आप कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो केवल कॉलम की आउटसाइड बॉर्डर ड्रॉ हो रही थी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी ग्रिड ड्रॉ हो, यानी बीच के जो सेल्स हैं वो भी ड्रॉ होते जाएं, उसके लिए ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड चुनें। अगर आप एक कॉलम को ड्रॉ करेंगे तो ये बीच की जो सेल्स हैं ये भी ड्रॉ होती जाएंगी। अगर आपको ये ड्रॉ की हुई बॉर्डर्स हटानी है यानी इरेज करनी है तो इरेज बॉर्डर वाले ऑप्शन को चुनें। अब किसी भी बॉर्डर को हटाने के लिए आपको वहां पर क्लिक करना होगा। जहां जहां आप क्लिक करते जाएंगे वहां वहां से बॉर्डर हटती जाएगी। अगर आपको ज्यादा लंबी बॉर्डर्स हटानी है तो क्लिक करके ड्रैग करते जाएं तो अपने आप वो पूरी बॉर्डर हटती जाएगी। अगला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है लाइन कलर का। अगर आप चाहते हैं कि जो लाइन या बॉर्डर आप बना रहे हैं वो ब्लैक के अलावा किसी और कलर की हो तो जिस भी कलर की लाइन चाहिए वो कलर आप यहाँ से चुन लें। और अब अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उस कलर में आएगी जो आपने चुना है। अगर आप लाइन की स्टाइल बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अलग अलग स्टाइल की लाइंस हैं, इसमें से जो भी आपको चाहिए वो चुन लें। और अब जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अलग स्टाइल में आएगी। आगे इसमें मोर बॉर्डर्स का ऑप्शन है। अब हम जब मोर बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें बॉर्डर के अंतर्गत सबसे पहले आपको लाइन स्टाइल मिलती है, वो लाइन स्टाइल आप चाहें तो यहाँ से चुन सकते हैं। कलर्स में अगर आपको लाइन को कोई कलर देना हो तो वो आप यहाँ से चुन लें। इसके बाद प्रीसेट्स में कुछ बॉर्डर स्टाइल्स ऑलरेडी दी हुई हैं, अगर आपको केवल आउटलाइन चाहिए तो वो चुनें। इसको हटाने के लिए नन पर क्लिक करें। अगर आपको केवल अंदर की लाइंस चाहिए तो इनसाइड पर क्लिक करें, और अगर आपको आउटलाइन और इनसाइड लाइंस दोनों चाहिए तो दोनों पर क्लिक कर दें। अभी हम नन पर क्लिक कर रहे हैं। अब और दूसरी बॉर्डर्स हैं यहाँ पर, जिसमें केवल टॉप बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो इस तरह से दिखेगी, इसी पर क्लिक करने पर वो चली भी जाएगी। अगर इनसाइड लाइंस केवल चाहिए या फिर नीचे की बॉर्डर चाहिए, ये आपको दूसरे ऑप्शंस और यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो आप चुन सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी सेटिंग चाहिए बॉर्डर्स की वो कर लें और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए डेटा में जो भी सेटिंग हमने की थी वो यहाँ पर आ गई है। अगर आप रोज या कॉलम्स में कलर फिल करना चाहते हैं
तो जिस रो या कॉलम में कलर फिल करना हो उसको सिलेक्ट करके फिल कलर ऑप्शन में जाएं और यहां से जो भी कलर फिल करना हो उसे सिलेक्ट करें। ये देखिए जो रो हमने चुनी थी उसमें वो कलर आ गया है। इस तरह से आप कॉलम्स में भी कलर फिल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक सेल में कलर फिल करना हो तो उसे सिलेक्ट करके आप उसमें भी कलर भर सकते हैं। इस तरह से यहां पर जो कलर्स दिए हुए हैं इनके अलावा अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो मोर कलर ऑप्शन में जाएं और अब यहां से जो भी कलर आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब अगर आपको ये सारे कलर्स हटाने हैं तो आप नो फिल ऑप्शन पर क्लिक करें। तो ये देखिए सारे कलर्स हट गए हैं। अभी हमने रोज कॉलम्स सेल में कलर फिल किया था। अब अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो जिस भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो उसे सिलेक्ट करें और फॉन्ट कलर ऑप्शन में जाएं। यहां से जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर आप चुन लें। ये इस तरह से टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। जिस तरह से हमने इस रो के टेक्स्ट का कलर चेंज किया है उसी तरह से आप किसी कॉलम या किसी एक पर्टिकुलर सेल के टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा बॉर्डर्स, फिल कलर और फॉन्ट कलर ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।